नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का गांव है मंगोलपुरा, वहां पर हम पहुंचे हैं और इस गांव के अंदर रहते हैं राष्ट्रीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष चौधरी हरबेंद्र सिंह जी। तो उन्हीं से हम बातचीत करने वाले हैं और उनके घर पर भी चलेंगे हम और वहाँ से पूरा ये लाइव कवरेज आपको देखने के लिए मिलेगा। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी हरमिंदर सिंह धनखड़। अच्छा, मैंने गलत तो ना बोल दिया? ना ना, कोई दिक्कत नहीं, सही बोला। हरमिंदर कहते हो, हरमिंदर कहते हो। अभी मैं सबसे पहला आपके गाँव के बारे में थोड़ी सी जानकारी करना चाहूँगा। जैसे ये मंगोलपुरा गाँव हो तो इसका क्या इतिहास रहा है, कितनी आबादी है, काफ़ी बड़ा ये गाँव? हमारा गाँव दो पंचायत, मतलब दोनों गांव हमारे एक ही पंचायत में लगते हैं। कौन कौन से? अलावलपुर, मंगोलपुरा। अच्छा। और हमारे गांव का इतिहास ये रहा, हमारा गांव जाटों के नाम से जाना जाता है। जाट ही है। अच्छा। और तो ऐसे कोई एक दो घर हो जी, हाँ, बाकी जाटों के नाम जाटों वाला मंगोलपुरा बोला जाता है। अच्छा अच्छा जी। तो मतलब ये जाटों का मंगोलपुरा ये कहा जाएगा जी, है? जी, तो कितनी आबादी होगी यहाँ? आबादी 1500 ओटो की आबादी। 1500 ओटो जी अपने वो। अच्छा, तो जैसे आप राष्ट्रीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हो और ये काफ़ी संगठन भी हैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के अंदर जी, तो राष्ट्रीय किसान यूनियन ही क्यों चुना आपने? भाई हमने चुना क्योंकि हम 40 साल से भारतीय किसान यूनियन में ही थे। अच्छा। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के साथ थे जी। तो उसके बाद जब देखा उनके लड़के ठीक नहीं चल रहे जी, तो हम फिर अपने महिपाल सिंह मिल गए, जो हमारे महिपाल सिंह तोमर, महिपाल तोमर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो हमारे महिपाल तोमर जी, वे निस्वार्थ और साफ सुथरे इंसान हैं। अच्छा। उनकी छवि बढ़िया है जिले में, भला गैर जिले में भी कहीं भी पता कर लो कि महिपाल सिंह कैसे आदमी जी, जी, जी। तो मतलब इन्होंने ये अपनी यूनियन बनाई और सबसे बड़ी गर्व की बात तो ये है कि डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हों वो डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के हैं। तो ये सब प्राथमिकता रही है आपकी कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के, अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने पास के। अगर कोई दिक्कत आती है किसी तरह की किसी भी आदमी को तो एक घंटे में ही आ जाए। अच्छा, अभी मैं चलते चलते बात करूंगा, आपका घर भी थोड़ा देखना जी, मुझे जी, 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 क्योंकि जहाँ भी मैं जाता हूँ जब इंटरव्यू करता हूँ तो जो भी अपने किसान नेता तो उनके घर मैं पहुँचने की कोशिश करता हूँ। तो अभी आपके घर हम पहुँच रहे हैं। तो अच्छा जिलाध्यक्ष जी, जैसे किसानों की लड़ाई आप लड़ रहे हो जी, और आपने अभी हाल ही में सुना होगा एक मुद्दा जो हो वो बड़ा गरमाया हुआ है जी, चार गाँव का सेंटर वाला। तो उसके बारे में जानकारी है आपको? उसकी जानकारी है, मैं आपसे बताऊं। देखो अब आधा सीजन तो आ गया जी भाई, दो महीने का सीजन और रहा जी। जब बिलाई मील किसी भी सरकार, भाजपा की आ जाओ, समाजवादी की आ जाओ या बीएसपी की आ जाओ, ये किसी के दबाव में नहीं आता जी। क्यों नहीं आता? क्योंकि जो इसका पावर हाउस बना हुआ जी, जब ये बिजली सप्लाई करता है तो बिजली का ऐसा बिल नहीं मिलता, पेमेंट में इसलिए दिक्कत करता। अच्छा, तरीका गलत है इसका भी, एक बात बताओ। अगर हमारा माल ले रहा है तो भाई माल के पैसे दो। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार पर दबाव यो बनाओ, बिजली मत दो, क्या दिक्कत है जी, जी, जी। तो उसमें किसानों को तो समस्या बहुत कड़ी है भाई, दिक्कत तो पड़ी रही है। तो आपका संगठन इन किसानों के साथ या अलग? हम सब किसानों के साथ खड़े हैं, निपक्ष खड़े हैं। अच्छा। हमारे यूनियन का हमारा एक ही देर है कि हम कोई दलाली का काम नहीं करते जी। आज तक ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहीं दलाली करी, अन्य कोई भी आदमी जिले में या कोई भी अगर उंगली उठाकर एक आदमी भी यह कहते कि भाई महिपाल सिंह ने फला जगह से पैसे लिए जी, जी, जी। या कहीं भी मतलब जुमलेबाजी करते हो जी, जी। तो आप खेती किसानी का ही काम करते हैं? हाँ, हम किसान जी, अपना खेती करते हैं, दो बेटे हैं अपने, वे दोनों सर्विस करते हैं। सर्विस कहाँ करते हैं वे? इसमें एक तो दोनों उसमें होंडा में, जो हीरोडा की उसमें एजेंसी में ही। अच्छा, मतलब एक जी। तो अभी जैसे आपका ये संगठन है और काफी जो हो इसका नाम भी हुआ बहुत थोड़े से समय में, हाँ दो साल का, ढाई साल में, हाँ ज्यादा पुराना हमारा, ढाई साल में हमारा संगठन इतना बढ़ चुका, हमारे जिले के हर कोने में संगठन जी, जी। हम न वे आदमी जोड़े, हमारे साथ वे आदमी हैं जो साफ सुथरे हैं बिल्कुल बिल्कुल। और जिले से बाहर भी आपका संगठन पहुंच चुका है? अमरोहा, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ
और हमारा राजस्थान तक जी। अभी किन मुद्दों पर आपकी लड़ाई चली हुई है? अभी थोड़ा इधर मैं आपका ये घर दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन से क्योंकि घर काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है आपने और अभी काम भी चला हुआ है जैसा हम देख रहे हैं, और पशु भी काफ़ी हमको बंधे हुए वहाँ पर दिख रहे हैं क्योंकि किसान है तो किसानों का जैसा जैसा किसान पशु रखते हैं तो उस तरह से आपने रखा है। हमारे तो हाथ पैर पशु ही है भाई। एक बात तो हम अगर कच्चा गोबर नहीं होने का, खाद नहीं होने का हमारे पास, तो हमारी पैदा हल्की रहेगी जी। तो इसलिए हम तो ये 10 पशु पाल रखे हैं हमने अपने पशुओं का काम, और किसान का तो हो ही पशु। अभी क्या मुद्दे चले हुए हैं आपके? अब हमारे मुद्दे चले हुए हैं कि एक तो किसान का जो बिजली का जो मामला बिलों का, ये बहुत गलत आ रहा। अच्छा, क्योंकि इसमें किसी का आज 500 का काल गया और 15 दिन बाद में फिर 50,000 का काल दिया जी। तो एक तो बिजली का मुद्दा, फिर हमारे गन्ने का पेमेंट जो हो अभी कोई भाव डिक्लेयर नहीं। हाँ, गन्ने का कोई रेट नहीं पड़ रहा, बिना रेट के पर्ची तुल रही हो और पुराना रेट से ही पेमेंट ये भेज रहे हैं जी। इस सरकार ने 25 रुपये की घोषणा अफवाह फैलाई थी कि हम दे रहे हैं, तो अभी रेट पिछला भी नहीं डाल रहा इन्होंने, मतलब पर्चियों पर वही रेट चल रहा है। वो हाई रेट ही नहीं है, बिना रेट की पर्ची। अच्छा, बिना रेट की पर्ची बिना रेट की पर्ची, वो तो मिल मालिक की मर्जी है, मर्जी कितने का भाई। ये किसान इतना भोला है, इस किसान अन्य कहीं भी चले जाओ पैसे पहले लेगा जी। और किसान एक कागज लेकर घुसो को हम तो घर को चले हम, बिल्कुल बिना रेट की, मतलब अपना माल बिना रेट के दे रहे हम कुंटलों में जी। और बाजार में चले जाए तो किलो में भी जो पैसे पहले लेगा। तो अच्छा, जैसे डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के अंदर आपका संगठन इतना कम समय में और इतना ज़्यादा मजबूत हुआ, ये क्या कारण है? बस ये तो पब्लिक को पता, हमारे अंदर कुछ अच्छाई देखी होगी। अभी मैं क्षेत्र में बात कर रहा था, जब मैं पहुंचा आपके गांव में, आपका नाम पूछा तो तुरंत बताने वाले 10 खड़े हो गए। तो आपकी इतनी जान पहचान इधर कैसे भाई? हमारे तो पूरे मैं तो डिस्ट्रिक्ट में ही, पर अपने ज़िले में तो और अपने एरिया में तो हर आदमी जाना हर गाँव में। अच्छा अच्छा, क्योंकि हमने देखो कभी भी एक तो गरीब आदमी का साथ दिया, जिसका कोई साथ ना दे उसका हम साथ दें। दूसरी बात, किसी का कोई काम हो जायज नाजायज हम किसी का साथ नहीं देते, जायज काम करते हैं नाजायज नहीं करते। अभी पीछे झलरी वाला मामला हो गया था, कल इंस्पेक्टर साहब से मिले हम बिजनौर। अच्छा, उसमें उन्होंने जो 2-3 औरतें छेड़ दी थी झलरे के ना जी, तो उसमें 10 आदमियों के नाम लिख रहा था, रिपोर्ट में दर्ज कर रहा था जी। तो हमने वे कटवाए, मुकदमा ख़त्म कराया। पीछे नशीरी वाला जो अंडर पास वो दिवाया हमने, हो धरना प्रदर्शन दिया था, पास हो गया। मतलब किसानों की लड़ाई के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं, कहीं भी हो किसानों की लड़ाई कहीं पर भी हो, जिले में भला अगर गैर जिले में भी हो तो हम हो भी जाने तैयार खड़े हैं, हर समय 24 घंटे तत्पर। अच्छा, अभी मैं जैसे ये यहाँ पशु देख रहे हैं आपके, तो काफ़ी पशु आपने रखे हुए हैं और जिला अध्यक्ष हो आप, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर को देख रहे हो, बिल्कुल तो पशुओं का चारा उरा के लिए नौकर रखा हुआ या क्या? ठेकेदार गन्ना छोड़ रहा है। अच्छा, बाकी कोई नौकर नहीं, हम बाहर का भी देखो और अब अपने आप ही चारा लाते हैं और अपने आप ही चारा काटते हैं। अच्छा, और अपने पशुओं को अपने आप पालते हैं। नौकर तो भाई जो नंबर 2 ही कमाई कर रहा है उसके पास होगा, हम तो मेहनत से कर खा रहे हैं। क्यों जी? जी जी, तो हम तो अपने हाथ से करने का वो। बहुत बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ चूर जो हो आपकी भी ये भरी हुई है पशु नस्ल की झुटिया, हमारी जो भी पहलवन भी आई। अच्छा, और ये दूसरे भी जो सभी पशु ठीक हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का क्या अपना एक मानना, जिसका पशु सुखी हो वो इंसान भी सुखी है। अच्छा, अभी किसानों के सामने क्या सबसे बड़ी समस्याएं दिखाई देती? बस सबसे बड़ी समस्या तो यही है, एक तो पेमेंट, ये का पेमेंट नहीं और मिल पेमेंट भी कर रही है। पर एक बात तो रेट भाई, इन्होंने 7 साल में सरकार ने 25 रुपये बढ़ाए जी, और महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँचा दी इन्होंने 7 साल में। मतलब जो फसल आप उगा रहे हो उसमें खर्च अधिक बैठ रहा है, ज़्यादा बैठ रहा है। जो कट्टा उस टाइम 600 का था 1200 रुपये का जी, और हरी चीज़ महंगाई पर हो, मतलब महंगाई बढ़ गई उस हिसाब से जो लागत लग रही है आपकी, उसका दाम नहीं मिल पा रहा, दाम नहीं मिल रहा किसान को। देखो हम कोई दाम ही नहीं मिल रहा, क्या दाम बताओ जब कोई रेट नहीं है अभी तो जी जी। अब कोरा पर्चा लाया तो मैं दिखाऊँ तो आपको, अभी थोड़ा वो कोरा पर्चा मैं दिखा रहा हूँ एक मिनट। अच्छा, जो तरह सबूत के तौर पर भी अभी दिखाऊंगा। बिल्कुल जी, दिखा दो। अभी देखिए सबूत भी हो, कोई रेट है क्या इस पर? बिना रेट के इस पर्ची पर खुश हो। तो ये कौन से मिल की थी? ये बिजनौर मिल की जो मुसन्ना है। अच्छा, तो इस पर कोई रेट ही नहीं है, किसान डाल रहे हैं। अजय खूब डाल रहे हैं भाई, और क्या करेंगे इसका बताओ आप भी डाल रहे हैं, मतलब जैसे जिम्मेदारी भाई आप जिले के, जिला डाल रहे हैं। सही बात है, आप भी खुद डाल रहे हो और आवाज भी उठा रहे हो, आवाज भी उठा रहे हैं, सुनवाई क्या हो रही? देखो जी, ये सरकार तानाशाही है, ये तो माननी पड़ेगी। अच्छा, ये क्योंकि
ये जुमलेबाजी से ही जीत का रही है। अन्य ये तो सब संगठन अगर मिल जा तो नहीं जीत सकती। अच्छा, बात तो काफ़ी हो गई, यदि आपके मन में कोई बात हो, कुछ कहना चाह रहे हो, जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट क्या कई जिलों के लोग आपको देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, और पता नहीं लोग कहाँ कहाँ शेयर करते हैं, हम तो इस चीज़ को जानते नहीं, लेकिन हमारे पास तो कॉल आते हैं कि आपकी वीडियो देखी थी कई जिलों में, तो लास्ट में यदि आप कुछ कहना चाह रहे हो तो। हाँ, मैं तो कहना चाह रहा हूँ अपने पूरे ज़िले के लिए और गैर ज़िलों के लिए भी कि अगर किसी भी किसान भाई को कोई किसी तरह की कोई समस्या है तो हम 24 घंटे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल तोमर जी 24 घंटे तैयार खड़े हैं, काम नाजायज ना हो, जायज के साथ हो। मतलब राष्ट्रीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महिपाल तोमर जी और बिजनौर के जिला अध्यक्ष हरबेंद्र जी, वो 24 घंटे आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं, पूरे कभी भी यदि कोई समस्या आपको दिखाई देती है तो किसानों की लड़ाई के लिए हमेशा सबसे खड़े में लगे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का गाँव था मंगोलपुरा, वहाँ पर हम पहुँचे थे और राष्ट्रीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष जी से हमने बातचीत की, हरबेंद्र जी से। तो ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही नया अपडेट लेकर किसी नए वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।